चलिए, सभी को गुड इवनिंग है। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि 2 दिन हो गए क्लास क्यों नहीं आ रही है, तो उसका एक कारण है, थोड़ा सा बिजी था और साथ में 2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नेटवर्क से जुड़ी हुई। कल ही नहीं आई क्लास, आज तो फिर आ रही है। तो जो हमारा जो एक टॉपिक रहा हुआ है ना एमसीक्यूज का, ठीक है, तो वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब कल ही। ठीक है, तो कल आपका एमसीक्यू का हो जाएगी क्लास। किससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपके कल हो जाएंगे। ठीक, अभी आज जो टॉपिक लेके आया हूँ छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम सी चल रही थी नेटवर्क में, तो एक बार ट्रायल से ही समझ लो। तो सर्कल की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रीफ टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सब कुछ चेक भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। राइट, एमसीक्यूज की क्लास कब होगी? कल होगी, कल सैटरडे है, कल बिल्कुल फ्री है। कल मॉर्निंग में क्लास का कोई भी टाइम हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, 11 बजे हो सकता है। साथ में ही कल कंपटीशन के अंदर एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, चलिए अभी टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, हम अपने आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्कल्स। ठीक है, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो सर्कल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बेसिकली उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल है क्या, है ना, क्योंकि सर्कल एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सर्कल की शुरुआत सर्कल बना के ही कर लेते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं पहले। तो जैसे एक सर्कल है, ये आपके सामने एक सर्कल है। ठीक, अगर सर्कल की बात करूं तो एक 2D शेप है। फटाफट कुछ बातें इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ये 2D शेप है, तो इसका मतलब सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल एक शेप है। एक बात तो ये, इसको मैथ की भाषा में लोकस भी बोल सकते हैं। किसका लोकस है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ, कि लोकस है किसका। तो ये लोकस है आपका एक पॉइंट का, और वो कौन सा पॉइंट है उसके लिए एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने एक बड़ा सर्कल बना लिया। ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये आपके सामने एक सर्कल है। ठीक है, और ये मैंने इसकी रेडियस ले ली। ठीक, तो इस सर्कल के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक एक रेडियस ले लिए आर, ये एक पॉइंट है, ये सभी को पता है। मैंने इस पॉइंट को लिख दिया एच के। ठीक, और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, ये जो एरो है, ये कहीं पे भी मूव कर सकता है, ये पॉइंट कहीं पे भी मूव कर सकता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हुए। किसको फॉलो करते हुए? एक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? कोई फिक्स पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है, इसके चारों ओर एक पॉइंट कहता है मैंने चक्कर काटूंगा, भाई मैं तेरे चारों ओर क्या काटूंगा, एक चक्कर। तो ये वो पॉइंट है जो इसके चारों ओर क्या काटना चाह रहे, चक्कर। तो फिर फिक्स पॉइंट कहता है चलो ठीक है, तू मेरे चारों ओर चक्कर काट, बट लेकिन एक चीज का ध्यान रख कि तेरी और मेरे बीच की दूरी नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब तू मुझे छोड़ के मत चला जियो, जितना फासला अब हमारे में है उतना ही रहना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच का फासला जो है वो आर है, तो इस पी ने चक्कर लगाने शुरू किए, तो पहले वो यहाँ आ गया, मतलब इतना सा चला। फिर उसने चेक किया भी कहीं दूरी बढ़ तो नहीं गई, घट तो नहीं गई, फिर देखा सही पड़ी है। फिर आगे गया, आगे चेक किया, आगे भी दूरी सही पड़ी है। फिर आगे गया, आगे देखा, आगे देखा, आगे भी दूरी सही पड़ी है। और इसी तरह से उसने एक चक्कर को कंप्लीट कर लिया, और हर बार उसकी दूरी क्या थी, सेम थी। किससे? फिक्स पॉइंट से। जैसे इसमें है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका क्या है, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, ये पी पॉइंट था, अब ये चल सकता है, चल सकता है, तो इसका सुंदर सा नाम हम रख रहे हैं टीपी। टीपी का मतलब ट्रेवलिंग पॉइंट, टीपी का मतलब यहाँ पे है ट्रेवलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब कोई भी ट्रेवलिंग पॉइंट, ये ट्रेवलिंग पॉइंट किसी भी फिक्स पॉइंट के, ये फिक्स पॉइंट आपका ये वाला,
चारों ओर इस तरह से घूमे, चारों ओर इस तरह से घूमे कि उसकी उस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है, उसकी इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो हमेशा सेम रहे। जैसे यहाँ पे आर है तो हमेशा कितनी रहे, आर ही रहे। तो ऐसे करते हुए जो रास्ता बनेगा, जो शेप बनेगी, जो लोकस बनेगा, या बोल दीजिए जो पाथ बनेगा, उस पाथ को हम सर्कल बोलते हैं। यानी ये वाली जो चीज बनी ना ऐसे गोल 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 गोल, ये सारा जो पाथ बना है इस पाथ को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, हम इसे बेसिकली सिंपली सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल में दो चीजें फिक्स रहती हैं, एक पॉइंट है वो तो थोड़ा नटखट है, वो थोड़ा शरारती है ना, जैसे ये पी है ये टिक के नहीं बैठता, ये तो चक्कर काट, मैं तेरे चक्कर काटूंगा, तेरे आगे पीछे ऐसे चक्कर काटेगा ये तो ना। फिर वो कहता भाई कहीं तो चक्कर चक्कर के चक्कर में मुझे छोड़ के ना चला जाए और किन्हीं और चक्करों में ना पड़ जाए, इसीलिए तू एक चीज का ध्यान रखियो, तेरी और मेरे बीच की जो दूरी है वो आर रहे, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो, जितना अब है वैसे ही रहना चाहिए, सब कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। कहता ठीक है मैं इस बात को मेंटेन करूंगा, और ऐसे करते हुए जो वो चक्कर काटता है तो उन चक्करों से बनने वाला जो रास्ता है उन्हें तो हम सर्कल बोल रहे हैं। अब सर्कल में दो चीजें फिक्स हैं, एक तो ये पॉइंट जिसके चारों ओर वो घूम रहा है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका नाम है बेटा सेंटर। इसका नाम क्या है, सेंटर। और ये जो पॉइंट है ये चल रहा है, इसका नाम मैं बता चुका, ट्रेवलिंग पॉइंट। और वो दूरी जो सेंटर में और उस चलने वाले पॉइंट में, वो भी तो फिक्स है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक, लेकिन रेडियस होती क्या है, अगर कोई पूछे रेडियस क्या होती है तो क्या हम सीधा ये बोल दें कि भाई फिक्स पॉइंट के बीच में और ट्रेवलिंग पॉइंट के बीच की जो दूरी है, वही हमारी जी रेडियस है। नहीं, ये बोलना गलत रहेगा। क्यों, देखो मानो ये फिक्स पॉइंट है, ये रेडियस, ये अपना ट्रेवलिंग पॉइंट है, ये ट्रेवलिंग पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहा था। अब दूरी तो इस तरह से भी मेजर हो सकती है, या दूरी तो इस तरह से भी मेजर हो सकती है। तो बेसिकली दूरी यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से रस्ते टेढ़े मेढ़े बना के देख लिए ये रेडियस है, नहीं ये रेडियस नहीं है, द डायरेक्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी जो वो मेजर करनी है ना। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रस्ते नहीं बनाने। अब जैसे कोई कह दे मैंने सिरसा है, सिरसा से मैंने दिल्ली जाना है, रास्ता तो ये है पर मैं तो ऐसे जाऊंगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना। तो रेडियस क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कैन बी कैलकुलेटेड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम दूरी है किसके बीच में, फिक्स पॉइंट के बीच में और ट्रेवलिंग पॉइंट के बीच में। ये पॉइंट जरूर याद रखना, कई बार आ जाता है वो एनडीए के क्वेश्चन में यार कि जो रेडियस है वो है, और पहला ऑप्शन हो डिस्टेंस है और दूसरा हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो ऑप्शन होगा वो आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि जो सर्कल है आपका वो 2D शेप है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, जो सर्कल है हमारा वो एक 2D शेप है, जैसे ये है। ठीक है, सर्कल हमारा क्या है, 2D शेप है। अब 2D शेप है तो भैया एक चीज मुझे साफ दिख रही है, वो क्या, इसका जो सेंटर रहा होगा, मान लो ये सेंटर है इसका, यहाँ इसका सेंटर है। ठीक, सेंटर जो है वो भी 2D होगा, 2D होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक एक्स का और एक वाई का मान लिया। और पी है, पी पी भी तो सर्कल का ही कोई पॉइंट है, उसके ऊपर ही चलता है, उसके भी दो कोऑर्डिनेट रहे होंगे एक्स और वाई। अब सर्कल की डेफिनेशन ये बोलती है इनके बीच की जो दूरी है वो फिक्स रहती है ना, इनके बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी रहती है, आर, ये फिक्स है, ये ट्रेवलिंग है, ये वेरिएबल है। एक्स और वाई जो है आपके क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके वेरिएबल है। अब ये जो दूरी है ये तो फिक्स रहती है, तो यहीं से हमें अंदाजा मिलता है सर्कल की इक्वेशन का, यहीं से हमें किस चीज का अंदाजा मिलता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना बड़ा इजी है, कैसे, हमें ये तो पता है ना सी से लेके पी तक की दूरी हमेशा ही क्या रहेगी, सेम रहेगी, मान लो आर है, चूंकि मैंने फिक्स रखी है ना। मोड क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर करनी है, राइट। ठीक, तो अब अगर ये आर, देखो आर क्या है, ये इस तरह से है, अभी एक बात और डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब सी क्या था,
सी तो ये पॉइंट है और पी क्या था, पी तो ये पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, वो कहता है एक्स वन माइनस एक्स टू का स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्केयर इज, है ना, यही होता है। अब सी और पी के पॉइंट देखूं तो ये हो गया, तो एक्स वन का काम मान लो एक्स कर रहा है ये कर रहा है, अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसमें से वो माइनस करो, अरे भैया स्केयर चाहिए फॉर्मूला, आप ऐसे भी लिख देंगे ना एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्केयर है, तीन में से दो का करके स्केयर कर दो, चाहे दो में से तीन को माइनस करके स्केयर कर दो, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो एक्स में से एच को माइनस करेंगे, है ना, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस में वाई माइनस के का स्केयर, ये पॉइंट पी हो गया, ये हो गया आपका क्यों, इसका जो रूट ले लिया, पर ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है, ये हमने फॉर्मूले से निकाल ली तो है, बट ये तो बराबर है किसके बराबर है, आर के, तो ये हमने आर के इक्वल रख दी, है ना, इतनी चीज तो समझ आ गई होगी कि हमने आर के इक्वल क्यों रखी है, राइट, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आर के इक्वल है, अब दोनों साइड स्केयर करने का मन कर रहा है, तो जैसे ही स्केयर करेंगे तो इधर से तो रूट भाग जाएगा लेकिन उधर स्केयर आ जाएगा, तो फुल एंड फाइनल एक ब्यूटीफुल सी इक्वेशन ये बनेगी, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस में वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर, जहां पे जो एच और के हैं वो कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये जो ब्यूटीफुल सी इक्वेशन बनी है बड़ी काम की है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर क्या ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है जिसकी रेडियस जीरो हो, जिसकी रेडियस कितनी हो, रेडियस भाई जीरो हो, सिंपल सी बात है ना। अब जरा आप सोचो रेडियस है क्या, जरा ये सोचने की बात है, रेडियस है क्या, तो रेडियस आपकी सी में यानी सेंटर में, किसमें, सी में, व्हाट इज सी, सी यहाँ पे क्या है, सी आपका ये सेंटर है, और इस पी के बीच की दूरी तो है, और ये जीरो कब होगी, जब ये जो पी पॉइंट है सी के ऊपर ही आ जाएगा, जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है और जो पी जो बाउंड्री पे पड़ा था वो इसी के ऊपर ही आ गया, तो यहां बन गया, तो सी और पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, जीरो। इसी केस में हो सकती है जब सी ओवरलैप हो जाए, किसके द्वारा सी ओवरलैप हो जाए, पी के द्वारा, तो सी और पी के बीच की दूरी जीरो, लेकिन उस केस में क्या एक्सटेंशन मिली रेडियस को, रेडियस को एक्सटेंशन ही नहीं मिली, अगर एक्सटेंशन नहीं मिली तो मतलब वो सर्कल नहीं बना, बट सर्कल से मिलता जुलता सबसे छोटा चीज बन गया, और सर्कल से मिलता जुलता सबसे छोटा उसे बोलते हैं पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं पॉइंट। तो कोई पूछे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या है, एक तरह से सर्कल सी थे जिनकी रेडियस जीरो थी, बट वो सर्कल की कैटेगरी में गए नहीं, क्योंकि वो सर्कल्स जिनकी रेडियस जीरो है उन्हें सर्कल कहते ही नहीं, उन्हें हम नया नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट। ठीक, क्या किसी सर्कल की रेडियस नेगेटिव हो सकती है, तो इसका आंसर है नहीं, अगर सर्कल की रेडियस जीरो हो जाए तो वो सर्कल सर्कल नहीं है, वो सर्कल क्या है, वो पॉइंट है, सर्कल नहीं है, तो ये दो बातें, एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस जीरो तो पॉइंट हो जाएगा। तो अब हमने ऊपर से ये सीख लिया भैया कि एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर होता है, तो यहां से स्पेशल केस नंबर एक हमारे पास आ गया, अगर सेंटर जीरो जीरो हो तो जी, सेंटर जीरो जीरो का मतलब ओरिजन हो तो जी, ओरिजन हो तो जी सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के थे और वो तो हमने जीरो जीरो कर लिए, रेडियस की बात नहीं करी तो रेडियस मैंने अभी भी आर मान ली, तो इस ब्यूटीफुल सी इक्वेशन में जो काफी सुंदर दिखती है देखने में, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, इसमें एच और के की जगह हम जीरो जीरो भर देंगे जी, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्केयर, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट भरने ना, तो एच और के की जगह प्लस वाई माइनस के का स्केयर, के की जगह भी जीरो का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो बेसिकली ये बना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, है आप समझ गए होंगे मैं किस कैसे बात कर रहा हूँ।
तो जब भी इक्वेशन में एक्स स्केयर वाई स्केयर हो और सीधा रेडियस का स्केयर हो, जैसे मान लो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और सामने सीधा ही पड़ा हो रेडियस का स्केयर नो, तो बताओ इसका सेंटर क्या। तो यहां से साफ पता लग रहा है इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस भाई 3 है, क्योंकि रेडियस का स्केयर होता है ना। और अगर इक्वेशन ऐसी होती तो एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 9, तो बताओ भैया रेडियस और सेंटर कितना है। अब जरा ना ध्यान से समझो, वाई स्केयर तो अकेला ही, वाई से बने वाली टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो वाई स्केयर को तो मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस 0 का स्केयर प्लस में। अब एक्स स्केयर के एक्स से बने वाले टर्म्स कौन कौन से, ये है ना, तो क्या ये कहीं किसी का होल स्केयर बन रहेगा, ये चेक करो बस। सामने जो है वो 9 पड़ा रहने दो, क्या ये आपको एक्स प्लस 2 का होल स्केयर नहीं दिख रहा क्या, और प्लस में y माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर है ना, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो हमने तो इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है ना, ब्यूटीफुल फॉर्म में, x माइनस a का स्केयर प्लस y माइनस b का स्केयर। अब हो सकता है इसको खोला हुआ मिल जाए, जैसे इसमें था, इसमें खोल के दे रखा है। जब इक्वेशन को खोल के दिया जाए तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एक्सटेंडेड। और ब्रैकेट की जगह अगर ब्रैकेट ही पड़े रहें, खोल के ना दिया जाए, तो उसे बोलते हैं आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये वाली जो इक्वेशन थी, जो सुंदर है, जो हमारी ब्यूटीफुल सी है, इसे तो हम बोलते हैं कौन सी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। ये तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये कौन सी है जिसमें खोल दिया जाए, भाई इसका भी होल स्केयर ओपन कर दो, इसका भी होल स्केयर ओपन कर दो, तो वो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़िया लिखने की कोशिश करूं, तो एक्स प्लस टू को मैं ऐसे लिखूंगा ना, एक्स माइनस माइनस टू का पूरे का स्केयर, क्योंकि इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए ना, एक्स माइनस ए का स्केयर, तो एक्स माइनस में होना चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से। तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है ना, या एच की वैल्यू लगा लो, एच की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 0 है, और सामने आर कितना है, 3, तो सेंटर कितना हो गया, माइनस टू 0 और 3। तो इससे बात एक पता हुई कि सेंटर के कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रेडियस हमेशा पॉजिटिव, ठीक। अब किसी ने कहा, सर अब हमें कैसे पता लगेगा कोई इक्वेशन सर्कल की है या नहीं। जैसे देखो, एक्स स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर प्लस 8x प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, क्या ये सर्कल है, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी सर्कल होगा उसमें एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर के कोफिशियंट इक्वल रहेंगे, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर को कोफिशियंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 8x प्लस इज इक्वल टू 8y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल है, जरा देखो क्या ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है। थोड़ा स्पीड बढ़ा रखी है, मुझे पता है, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा ना। चलिए, तो एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफिशियंट देख लीजिए, 2 और 2 सेम है, सेम है तो ऑफ कोर्स सर्कल है। क्या होता अगर ये जेड में चली जाती, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, आगे भी एक्स वाई जेड से बनी, यहाँ एक्स से बनी हुई, यहाँ वाई से, यहाँ जेड से, इस तरह से होती, तो जब भी जेड आ जाए तो वो 3D में चला गया, और 3D में अगर कोफिशियंट सेम रहे, 3D में, अब 2D है, और अगर 3D में, 3D में अगर एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर के कोफिशियंट सेम रहे तो वह स्फीयर होगा। देखो सर्कल को 3D में शिफ्ट करते हैं तो वो स्फीयर बन जाता है, यानी अगर ये इक्वेशन होती है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² प्लस 8x प्लस 8y प्लस 9z, ऐसा कुछ भी, प्लस 9 इज कुछ भी, किसकी इक्वेशन है, तो यहाँ से साफ देखिए एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर, इस पे फोकस करिए, तीनों के कोफिशियंट सेम हैं, तो भाई ये इक्वेशन किसकी है, स्फीयर की। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर हमारी बेसिक टॉक खत्म होगी। सर एक इक्वेशन लिखिए, लिख ली भाई, एक्स स्केयर 2x² ठीक है जी, 2y² ठीक है जी, प्लस में 16x ठीक है जी, प्लस में 20 ठीक है जी, और क्या लिखेंगे सर, और कुछ भी जो आपका दिल करे लिख लीजिए भाई, 4y और प्लस के 9 सर, इज इक्वल्स टू 9 सर, ये लो इज इक्वल्स टू 9।
सर अब आपके हिसाब से ये सर्कल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्केयर और वाई स्केयर के जो कोफिशियंट है वो सेम है, और 2D में है, और 2D में पता है कौन बनेगा सर्कल। ठीक, तो सर अगर ये सर्कल है फिर आप हमें इसकी रेडियस निकाल के दिखाइए। तो इसका एक सिंपल सा काम आप समझ लो। पहले तो एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफिशियंट को वन वन बना लो, थ्रू आउट टू से डिवाइड कर दो। ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस के 8x प्लस के 10 प्लस के 2y इज इक्वल टू 9/2, है ना? इसे थोड़ा आसान हो। अब x वाली टर्म्स एक साथ कर लो, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस में कुछ छोड़ देना जगह ऐसे, और फिर y वाली वाई स्केयर प्लस 2y और फिर कुछ जगह छोड़ देना ऐसे, और सामने वाले का 9/2। अब इस 10 को देखो, 10 को उधर ले जाओ एक बारी, माइनस का 10। यहाँ पे आपको x से बना हुआ स्केयर बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो, x का स्केयर तो है, अब इसमें h का स्केयर नहीं है देखो, क्योंकि ये x माइनस h का स्केयर बनाना है हमें, बनना तो ऐसा चाहिए ना कुछ। तो ये तो है x स्केयर है, माइनस 2hx है ना, लेकिन क्या नहीं है, h स्केयर नहीं है। x से बनी हुई टर्म तो ये रही, तो पर ये टर्म जो है वो 2hx वाली है। ये देखो ये टर्म है, ये x स्केयर के बाद कौन सी है, माइनस 2hx वाली। तो माइनस 2hx बराबर है 8x के, x से x कैंसिल हो गया है ना, 2 4 हो गया है ना, h की वैल्यू -4 आ गई, और -4 आ गई तो h स्केयर कितना आ गया 16। तो अपनी तरफ से यहाँ क्या ऐड कर दिया मैंने, 16। अपनी तरफ से इधर ऐड किया तो अपनी तरफ से उधर भी ऐड कर दो, सिंपल। अब y से बनवाओ कंप्लीट स्केयर, क्या कमी है वो देख लो। देखो y माइनस के का स्केयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, y स्केयर चाहिए, -2ky चाहिए और k स्केयर चाहिए। अब k स्केयर नहीं है, y से बनी हुई टर्म तो है, ये रही y से बनी हुई, इसको किसके इक्वल रख लो, इसको लिख लो -2 का ये के वाई के इक्वल है ना, और बराबर क्या है 2, राइट 2 वाई, वाई से वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू आ गई -1। तो के की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी आ गई, -1। तो -1 का स्केयर आएगा ना यहाँ, तो के का स्केयर, तो -1 का स्केयर +1, इधर प्लस किया तो उधर भी प्लस कर दो। ऐसा करते ही ये चीज बन गई होल स्केयर। किसका होल स्केयर बनी है ये जरा बता दें, तो ये बनी है एक्स प्लस 4 का होल स्केयर, है ना। ये देखो 4 का स्केयर है, ये बना है y प्लस 1 का होल स्केयर, और उधर क्या बना, उधर काम धाम को हम सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या इसको लिख सकता हूं, क्या मैं x माइनस माइनस 4 का स्केयर, है ना, और इसको लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1 का स्केयर, कोई दिक्कत ही नहीं, और वहां जो भी होगा उसे रेडियस बना लेंगे ना। तो सेंटर यहां मिल गया, और वैसे भी जब एच के की वैल्यू निकाली थी तो एच और के सेंटर ही तो होते हैं हमारे, और वैसे यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां से निकल जाएगी। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालने का। या इससे थोड़ा सा अटके क्वेश्चन क्या आ सकता है, थोड़ा सा अटके क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है, इक्वेशन फॉर्म करवाए। ठीक है, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, इसका एडवांस लेवल कल के वीडियो में आएगा, कल के नहीं परसों की। इक्वेशन फॉर्म करवाए तो क्या देगा, हो सकता है वो सेंटर दे दे, कह दे भी सेंटर है 2 2, रेडियस है 3, और वो कहेगा इसकी इस सर्कल की दो फॉर्म है आपके पास, एक तो आप स्टैंडर्ड लिख दीजिए, ठीक है, और एक आप एक्सटेंडेड लिख दीजिए। अरे भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो x माइनस 2 का स्केयर प्लस y माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू रेडियस स्केयर, समझ गए ब्यूटीफुल इक्वेशन से। तो चलो इसको लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2 ए भी करेंगे तो 4x, वाई स्केयर प्लस 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पहले, फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, इधर 8 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो प्लस के 1, उधर आके इधर आके -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी और बढ़िया सी टॉक, जिसे हमने बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉक। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको वो सर्कल के बारे में कुछ जानने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दो। लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब आप तभी करें जब आपको लगे कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए रंग ला रही है, तो है ना, तो वो कर देना भाई। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे कल ही MCQs के साथ, डिफरेंशियल इक्वेशंस के। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज वो पूरे के पूरे 5-6 लेक्चर देख लो, ताकि कल MCQs मिलके इकट्ठे सोल्व कर पाए। इसके साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।